और ये जो आप देखें, ये जो मुसाब जो जिस मस्जिद के अंदर, जिन इदारों के अंदर, जिस अल्लाह के घरों के अंदर इबादत के लिए आ रहे हैं, और मुसलमानों को मुसलमान जौक दर जौक मस्जिदों में आ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, क्या आप सोच सकते थे कि ये जो तरक्की हुई है, कैसे हुई है तरक्की, कैसे मिली? मीनारों का, अजानों की सदाओं का, और फिर कुरान करीम की तिलावत का रोडों पर, और फिर लोगों की दावत, और फिर ये, अब ये सारा जो मामला देख रहे हैं आप, ये क्या है मेहनत? किन लोगों ने मेहनत की? कौन थे जो लोग इस मुल्क में आए थे? किस लिए आए थे वो? उन लोगों को जरा सोचा आपने? यूरोप के आखिरी कोने तक अल्लाह के वलियों ने यहाँ कुरान करीम की आवाज़, दीन की आवाज़, इस्लाम की आवाज़ पहुँचाई है, यूरोप के कोने तक, कोने कोने तक कोई कोना नहीं छोड़ा अल्लाह के वलियों ने, इस मुल्क में भी कोई कोना नहीं छोड़ा। हाँ, हम उनके सदके आज ही कर रहे हैं, जो कुछ मिला है हमें, जो कुछ है उनके सदके है, जो कुछ है। यहाँ जमात आती थी, पता नहीं यहाँ जो पुराने लोगों में गुलाम भाई दलाल साहब होंगे, या जो हाजी साहब होंगे, पता नहीं, या इससे पहले के जो लोग थे, उनसे हमने सुना है, जो 70-80 साल से जो रह रहे हैं उनसे हमने सुना है, जो 90 साल से रह रहे हैं, कि जो पहली जमात आई थी इस मुल्क के अंदर, वो कैसे, किस तरह उन्होंने दावत का काम किया, किस तरह मेहनत की, किस तरह दीन फैलाया, घर घर जाकर। मस्जिदें थी, आप बताएं मुझे, बताएं इसी इलाके का हाल देख लें, यहाँ जो अभी 60 मस्जिदें हैं, 60 तकरीबन न्यूयॉर्क के अंदर, छोटी बड़ी मस्जिद मिला के, इतने छोटे इलाके में 60 मस्जिदें, हर कदम हर गली के अंदर, कोई उजर नहीं कर सकता कि मुझे यार मेरी घर के करीब मस्जिद नहीं है, इधर जाओ मस्जिद, इधर जाओ मस्जिद, इधर जाओ मस्जिद। अब हमारी रोड के अंदर 3 मस्जिद हैं, इस रोड पर, उधर जाओ उधर 3 मस्जिद हैं, उधर जाओ उधर 3 मस्जिद हैं, बताएं मुझे। अब टल लेन की तरफ जाओ, वहाँ 3 मस्जिद हैं, मस्जिद ही मस्जिद है, मस्जिदों की बाहर। कोई सोच सकता है कि ये गैर ईमान वालों का मुल्क है? बताते हैं लोग कि जब जमात आई थी यहाँ इस मुल्क के अंदर, तो मस्जिद वालों ने मस्जिद तो थी नहीं, वो चर्च वालों ने उनको पना दी थी, वो रात को चर्च में रहते थे, आराम करते थे, दिन में वो दावत देने के लिए निकल जाते थे, खाना भी देते थे वो चर्च वाले लोग, या चर्च वाले लोग खाना भी देते थे उनको, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास जगह है। देखें उनकी कुर्बानी, जो चर्च वालों की कुर्बानी अल्लाह ताला ने ऐसी कबूल कर ली कि चर्च वाले लोग भी मुसलमानों के, चर्च भी मुसलमानों को दे दिया अल्लाह पाक ने, जाओ मस्जिद। अब देखो वाले, हमारे वाले साहब ने भी जो यहाँ स्टॉकवेल में चर्च लिया था, और आज वो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये अजहर अकेडमी आपके सामने मौजूद है, इस तरह के कई चर्च हैं। कभी आपने सुना है कि मस्जिदें दूसरे गैर ईमान वालों के हाथ में गई हैं? बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर तो हुआ है, हमारे जैसे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसा कुछ वाक़यात हुए, इक्का दुक्का ज़बरदस्ती हो, लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि भाई जी ये लो हम बेचते हैं मस्जिद, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसा नहीं हुआ। बाज़ लोग ऐसे आए थे, दीन की मेहनत करने वाले लोग इस मुल्क के अंदर, दीन की मेहनत करने वाले लोग, दीन की दावत देने वाले लोग। टेलीफोन बूथ होते थे पहले बहुत, हर गली के अंदर, हर गली में, हर रोड पर बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो नहीं होते। ये भी ऐसी इन्होंने शो के लिए रखा के रखा हुआ है, ताकि ये इसका एक जो रिवाज है, रिवायत है, उसको बरकरार रखे। वहाँ जाके सोते थे दो दो आदमी करके, और बाज़ लोगों के बारे में आता है कि वो दो दो तीन तीन आदमी ऐसी छोटी छोटी जगहों में एक दूसरे को ऐसे दबोच कर सोते थे। दीन की मेहनत मेरे भाई ऐसी होती है। और कल मैंने ये बात कहा था कि ये आज जो हमें मिल रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, यार वो फलाना को इतना मिल रहा है, फलाना को इतना मिल रहा है, यार हमें तो नहीं मिल रहा, उनको क्यों मिला भाई? वो जो फतुहात आज की, जो फतुहात आप देख रहे हैं, या आज की जो आसाइश है, जो असबाब उन पर खोल दिया अल्लाह ताला ने, हम फतुहात को देख रहे हैं जो अभी हुई हैं, हम उस ज़माने की उनकी जोहद और परेशानी को नहीं देख रहे जो उन्होंने मुश्किलें उठाई। आज मुझे जो मिला है इनकी वजह से मिला है, आपको जो मिला है, आपके वालिद या आपके बच्चों को जो मिला है आपकी वजह से मिला है। लोग आपके बच्चों को देख रहे हैं लेकिन अब बाप को नहीं देख रहे कि बाप ने कितनी मेहनत की है, उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को नहीं देखते, उन बुजुर्गों की औलादों को देखते हैं, यार इतने ऐश में हैं ये लोग। भाई तुम भी मेहनत कर लो, तुम्हें तुम्हारी औलादें भी आ गई, अल्लाह ताला आपको देगा, नस्लें खाएंगी नस्लें, अल्लाह रहम को मामला फरमाए।